चतरा जिले के प्रतापपुर थाना के विजय दास का शव उसके ससुराल के पास के जंगल से संदिग्ध अवस्था में बरामद किया गया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। मृतक विजय दास के परिजनों ने ससुराल वालों पर ही हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतक विजय दास का ससुराल प्रतापपुर थाना के केसवा गाँव में है। वह अपने ससुराल साली की शादी में शामिल होने के लिए गया था। बताया जाता है कि पति पत्नी के बीच हमेशा झगड़ा होते रहता था। इसी को लेकर पीड़ित परिवार ने ससुराल वालों पर मार पीट कर मौत के घाट उतारने का आरोप लगाया है। मृतक के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, उसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। चतरा SDPO अविनाश कुमार ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी, फिलहाल छानबीन शुरू कर दी गई है। इसका दमन जो संतोष बर्धमन देवी वाला है ना, ये थोड़ा पी खा के लड़ाई करा परिवार जोड़े, परिवार जोड़ा करने लगा तो इसको संतोष जो था इसका बड़ा दिमाग, चार को लेकर मंगाया हो शाम को रात को मंगाया कि फोन किया हो कि पीखा का उसे को लड़का का तो पीटना है। उसको आया भी आया से हम हुआ भी छुड़ाए कि बाबू से हम है तो मेरे सामने मार नहीं सकता है, घर के पीछे तलाव तरफ। हम बोले कि तुम मार, हम है तो तुम मार नहीं सकता है। फिर संत इनको बर्तमान बोले कि बाबू से ऐसा करो तो चले जाओ, चारों लड़कों बोला चले जाओ। तो फिर संतोष बोले संतोष कि हम कभी फोन करेंगे ना, जखनी फोन जखनी मेरा जरूरत फोन तखनी तू तुरंत आना, तू तुरंत आना। हाँ बड़ा दमाद नहीं भी हो रहा, मैन उसका हाथ है सर, इसका बड़ दमाद के इसको बड़ दमाद था, इसको जरूर पटता नहीं था। बोला पता नहीं समय क्या था नहीं जानते हैं उसको, इनको दमाद बड़ा वाला बोला संतोष ने भी वाला कि तू रुक जा, तू रुको, तुरंत एक आध दिन तुरंत उठवा दे रहे हैं। हम सूख के गए सर, बृहस्पति को शाम को नहीं 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 मंगलवार को हम आए थे, एक रात रुके और बाद में कोई भी देखता है भूत की बेटी हम आ गई है जबरदस्ती। आज प्रतापपुर में मुर्गिया टांड जो केसवा टोला के वन विभाग के जंगल में एक 25 वर्षीय विजय दास जो कि सोनवर्षा के रहने वाले थे, उनका डेड बॉडी मिला है। डेड बॉडी को देखने से पता चल रहा है कि उसे प्रथम दृष्टिया गला दबा करके और पानी में डुबा के मारा गया है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर लिया गया है एवं अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। सर जानकारी मिलने की पति पत्नी के बीच में हमेशा विवाद हो रहा है, हर एक बिंदुओं पर अभी हम लोग जाँच कर रहे हैं एवं यह एक सामाजिक सरोकार का विषय है, हम लोग लगातार उसको जागरूक कर रहे हैं कि आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें और छोटी छोटी बातों को लेकर के एक दूसरे का जान न लें, यह मानवीय अपराध है, इसे अपराध को नहीं करना है। हम लोग अपने तरफ से भी प्रयास करते हैं कि लोगों को जागरूक करें, इसमें जो भी संलिप्त लोग रहेंगे उन लोगों को हम लोग गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजेंगे। वहीं दूसरी ओर झारखंड के पूर्व मंत्री एवं भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी ने कहा है कि वर्तमान हेमंत सरकार सभी मोर्चे पर विफल रही है। आने वाले समय में भाजपा के कार्यकर्ता एवं प्रदेश की जनता इस सरकार को चुटकी में मसल देंगे, यहां भाजपा के नेतृत्व में नई सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की हेमंत सरकार विकृत राजनीति का शिकार हो गई है। पूर्व मंत्री ने कहा कि तकरीबन 2 वर्षों से विकास का एक भी काम नहीं हुआ है और राज्य सरकार बदले के भावना को लेकर काम कर रही है। उन्होंने प्रदेश की हेमंत सरकार पर आरोप लगाया कि नवनिर्मित विधानसभा एवं माननीय उच्च न्यायालय के भवन निर्माण के मामले में जांच के जो आदेश दिया गया है वह महज बदले की कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल कोरोना जैसे महामारी पर भी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने केंद्र द्वारा आवंटित 34% कोरोना वैक्सीन को बर्बाद कर दिया है, जो कि एक सबसे बड़ा महापाप है। पूर्व मंत्री अमर बावरी महामारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका विषय पर सेमिनार को संबोधित करने के लिए चतरा आए। करा लीजिए जांच, आप जितना भी कुछ करा लीजिए, आज तक तो कोई फाइंडिंग्स तो नहीं लेकर के आ पाए। आप सिर्फ और सिर्फ इस पूरे 1.5-2 साल के कालखंड में पूर्वाग्रह और मैं कह सकता हूँ कि एक विकृत राजनीति जिसमें कह सकते हैं, जिसमें आप जो भी सरकारें हैं, जो पूर्ववर्ती सरकार हैं, उसमें पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के उस पर जाँच कराइए, उसको फंसाने का काम कीजिए। आप विकास तो कर नहीं सकते, आप विकास के काम का एक ढेला भी तो आगे नहीं बढ़ा सकते,
कोरोना में अपने झारखंड के नागरिकों को आप रक्षा नहीं कर सकते। 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं आप, राशन पे भी आपका जो वितरण प्रणाली फेल हो चुका है, वहाँ भी भ्रष्टाचार हावी हो चुका है। ये सारे चीज़ों से आप नौकरियाँ दे नहीं सकते हैं, आप भत्ता दे नहीं रहे हैं, सारे चीज़ों से आपने पल्ला झाड़ लिया है। जैसे शरीर पे धूल चढ़ता है और लोग झाड़ करके आगे निकल जाते हैं, वैसे ही ये हेमंत जी की सरकार, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार, अपने शरीर से धूल हटा करके सभी लोगों को बेवकूफ़ बना करके आगे बढ़ गया है। और ये जांच करा करके लोगों को डराना चाह रहा है, भारतीय जनता पार्टी को चुप कराना चाह रहा है। हमारे कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आंदोलन कर रहे हैं, तो उस पर केस राजद्रोह किया जा रहा है। इसे क्या डरने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है? हम लोगों ने 337-35 ये खत्म करने के लिए 55 साल संघर्ष करके वहाँ से तो खत्म कर दिया। झारखंड की सरकार को खत्म करने में चुटकी भर का समय नहीं लगेगा, ये सरकार को भी उखाड़ करके फेंक देंगे और झारखंड के अंदर फिर से एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करके सरकार का निर्माण करेंगे। जबकि चतरा पुलिस को एक बार फिर अफीम कारोबारियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। SDPO अविनाश कुमार के नेतृत्व में चतरा सदर पुलिस ने सदर थाना के ब्राह्मण टुल्लू गांव से 1 क्विंटल 39 किलो डोडा बरामद किया। वहीं तस्कर भागने में सफल रहे। SDPO अविनाश कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा को गुप्त सूचना मिली थी कि गांव में डोडा की खरीद बिक्री की जा रही है। सूचना के आलोक में पुलिस टीम का गठन कर गाँव पहुँची। छापेमारी के दौरान विलास गंजू के घर से 6 बोरा में बंद 62 किलो डोडा एवं परमेश्वर गंजू के घर से 77 किलो डोडा बरामद किया गया। पुलिस को देख विलास व परमेश्वर गंजू घर छोड़कर भागने में सफल हो गए। पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना मिली थी कि सदर थाना क्षेत्र के मसूरिया तरी और बाई लुटू में डोडा को छिपा करके रखा गया है तथा तस्करों को उसको बेचने की तैयारी में है। सूचना के सत्यापन करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चतरा के नेतृत्व में टीम बनाई गई तथा वहां छापेमारी किया गया। छापेमारी के क्रम में विलास गंजू जो मसूरिया तरी के रहने वाले हैं तथा परमेश्वर गंजू जो बायलुटू के रहने वाले, दोनों के घर से लगभग 139 किलोग्राम डोडा जो है वो जब्त किया गया है। दोनों व्यक्ति अपने घर से फरार थे। संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।